सरकारी बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। दर्शन तो दुर्लभ अब सरकारी बाबुओं के होंगे। बहुत मजे कर लिए, देखी न्यूज़ हमने प्राइवेटाइजेशन की, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मैनेजर साहब, अब हमें म्यूनिसिपैलिटी का पानी पिलाया जाएगा, जरा बिस्लेरी अच्छा पीना मिल जाएंगे। अरे कोई बिस्लेरी का पानी लाना भाई, चड्डा साहब आए हैं। चड्डा साहब, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ना है? आप तो पानी भी बिस्लेरी का पीते हो। असली चिंता तो उन लोगों की है जिनके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी एक युद्ध के समान है। सही बोले मैनेजर साहब, विराट कोहली के एक दिन का पानी का जितना खर्चा है उसमें तो किसी गरीब का महीने का राशन निकल जाता है। चड्ढा साहब, सरकारी अनुदान स्कूल अस्पताल आदि उन कमजोर लोगों के लिए है जो प्राइवेट सर्विस लेने में समर्थ नहीं है। जिनके बच्चे अनपढ़ ही रह जाए अगर सरकारी विद्यालय ना हो, और बीमार ही रह जाए अगर सरकारी अस्पताल ना हो। सर जी, कल्लू का बेटा भी गया था, वालों ने जो सूट बूट कर पहना था उसने 10,000 रुपया मांगा अकाउंट खोलने के लिए, तो फिर आ गया गांव के सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक जन साधारण आदि का जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलते हैं एवं ATM आदि सुविधाएं मुफ्त ही प्रदान करते हैं। मैनेजर साहब, ये प्राइवेट बैंक वाले हमारे गांव में क्यों नहीं है? हमारे गांव में तो आती नहीं ये खाता खोलने। प्राइवेट वालों का तो मुख्य उद्देश्य है व्यापार करना। प्राइवेट वालों का तो एक ही है फंडा, मुर्गी वही जो दे सोने का अंडा। ठीक है मैनेजर साहब, मान ली आपकी बात। अगर सरकारी बैंक इतनी सेवाएं देते हैं तो बताइए क्या किया है उन्होंने आज तक समाज के लिए? देश के विकास में सरकारी बैंकों के योगदान को भुलाया नहीं। 1969 में बैंकों के नेशनलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। इसके तहत किसानों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध हो सके ताकि वे गांव के साहूकारों के महंगे लोन के चंगुल से निकल सके, जिसके तहत व्यापारियों एवं विद्यार्थियों को सुलभ तरीके से लोन प्रदान करना। अपने मोहल्ले के सुंदर लाल को ही देख लीजिए, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए उसने सबसे उधार मांगा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उस बेचारे के पास गिरवी रखने के लिए कुछ था ही नहीं। सरकारी बैंक में उसका लोन मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना किसी सिक्योरिटी के पास हो गया। आज की डेट में उसने दो और लोगों को रोजगार दे रखा है। अभी हाल में ही कोरोना महामारी याद है ना आप लोगों को, जिसमें सभी के रोजगार धंधे ठप पर गए थे। इस विकट परिस्थिति में भी सरकारी बैंकों ने सभी व्यापारियों को एक्स्ट्रा लोन दिया ताकि वे अपने व्यवसाय को पटरी पर ला सके। लेना देना ऐसी बातों से, प्राइवेट होंगे तो मजे से जाके एसी में बैठ के काम करवाएंगे अपने। देखना एसी की हवा कहीं सेहत पर भारी न पड़े। हाल में ही PMC बैंक की हालत किसी से छुपी नहीं है। पहले भी सिटी बैंक में 400 करोड़ रुपए के गबन का मामला प्रकाश में आया था। तो फिर बैंकों को प्राइवेट करने का क्या फायदा है? यह सब साजिश है पूंजीपतियों की, जो सरकारी बैंक को बदनाम करके सारी पूंजी पर खुद कब्जा करना। विगत वर्षों के आंकड़ों को देखें तो सरकारी बैंकों ने लगातार प्रॉफिट दिया है। तो फिर सरकारी बैंक घाटे में क्यों चल रहे? इसका मुख्य कारण है पॉलिटिकल दबाव में बड़े बड़े लोन का होना और बाद में NPA हो जाना। इसका सीधा असर बैंकों के प्रॉफिट पर पड़ता है और RBI के गाइडलाइंस के अनुसार फिर प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। सोचना अब आप लोगों को है, एक तरफ बैंकों में स्टाफ की भारी कमी है एवं आंकड़ों को देखें तो वैकेंसी भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, जिसका इफेक्ट ये हो रहा है कि बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और काम भी सही समय पर खत्म नहीं हो पा रहा है। अब चंद सवाल आप लोगों के लिए, क्या
आप लोगों को लगता है आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई चंद पूंजीपतियों के हाथों में सुरक्षित रहेगी क्या? प्राइवेट बैंकों की नीतियां आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी? आप लोग बताइए, क्या सरकारी बैंक में जो अपनापन एक कमजोर और गरीब और लाचार को मिलता है, क्या वो प्राइवेट बैंक में मिल पाएगा? क्या प्राइवेट बैंक अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में मनमाने चार्जेज, मनमाने इंटरेस्ट रेट आदि नहीं लगाएंगे?